यूपी बोर्ड और यूनिवर्सिटी की मार्कशीट बनाए जाने का फर्जीवाड़ा दस्तावेजों सहित पुलिस ने बरामद कर तीन अभियुक्तों को धर दबोचा। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व बीए की मार्कशीट, सनद, पीसी व चरित प्रमाण पत्र को मात्र 1500 रुपए में देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से फर्जी अंक पत्र व अन्य दस्तावेजों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस भी इस बात से हैरान है कि आखिर अंक पत्र का ये कागज इन लोगों को कहां से मिलता है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि इन लोगों का मुख्य साथी उमेश यादव को इस बारे में सभी जानकारी है, जो अभी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसे पकड़े गए, क्या हुआ था? क्या फर्जी करते थे? मार्कशीट। कैसे बनाते थे? खुद नहीं बना साहब, बनवाए के लाते। अच्छा, कहाँ से बनवा के लाते थे? इलाहाबाद बोर्ड के आगे जो चाय की दुकान है वहाँ से जी मार्कशीट साहब, जो यहाँ से नाम पता जैसे लइए वहाँ ले आएगा, उन्हें एड्रेस दे दो, अब इन्हें हुआ शाम को भरवाए, भर तैयार करके दे दी, लेके चले आती हैं बांट दे। ये क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिली थी कि कुछ लोग फर्जी मार्कशीट बना करके और पैसों में बेच रहे हैं, पैसे लेकर के बेच रहे हैं, तो उसी में एक छापा मारा गया और उसमें जो है वो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। काफ़ी सारी फर्जी मार्कशीट बरामद हुई हैं, जिनको टैली किया जा रहा है। बोर्ड से भी जो है वो अभी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि वो ओरिजिनल है फर्जी है, इनके पास कागज़ कहाँ से आता है इसकी भी जाँच की जा रही है। प्रिंटर बरामद हुआ, स्कैनर बरामद हुआ है और एक रजिस्टर बरामद हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो मार्कशीट खरीदने आए थे या जिनको इन्होंने बेची है। तो इस पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी एक जो बचा हुआ है उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। आज इनको माननीय न्यायालय में भेजा।